जय आर सिंह साथियों, स्वागत है आपका गुड डॉट के स्पेशल शो जिसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। मेरा नाम है शेफ वसीम और आज हम बनाने वाले हैं गुड डॉट के प्रोटीज से मिर्ची वड़ा। तो उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए, हमने दो शिमला मिर्च लिए जो जिससे हम मिर्ची वड़ा बनाने वाले हैं। तो हमने इसे, जैसे हमने कल बताया था आपको कि हमारा एक जो आर सिंह ने एक जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्लीनो वेज, तो उससे हमने सब्जियों को सबको साफ़ करना चाहिए। हमने भी आज इसको क्लीनो वेज से क्लीन करके यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी अब इसको रेगुलर अपने घर पे इस्तेमाल करें। तो यहाँ हमने दो शिमला मिर्च लिए, 20 ग्राम हमने यहाँ प्रोटीन लिया है जिसको हमने बॉईल करके मिक्सर की सहायता से ऐसा चॉप कर लिया है। एक आलू लिया है जिसे हमने किया गस कर लिया है। आरसीम के मसालों में हमने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हेल्थ गार्ड ऑयल जो हम फ्राई करने और इसका मिर्ची वड़े का जो अंदर का की स्टफिंग है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे जो सूखे मसाले हैं उसमें हमने साबुत धनिया लिया है जिसको हमने मिक्सर की सहायता से क्रश कर लिया है। और थोड़ा सा हमने एक चम्मच के करीब हमने बेसन लिया है जिसको हमने सेक लिया है। ये एक चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। और मिर्ची वड़ा बनाने के लिए जो ऊपर की जो कोटिंग चाहिए उसके लिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया है यहाँ पे। इसको हम पानी का एक गोल बनाएंगे और उसे इससे उस मिर्ची वड़े के ऊपर हम इसे कोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक कढ़ाई लेंगे और ये सब हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल डालेंगे। तो बड़ा चम्मच हमने इसमें हेल्थ गार्ड ऑयल डाला है। हम पहले मिर्ची वड़े की स्टफिंग बनाएंगे। तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया। इसको थोड़ी देर भुनेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो कि हमने किया गस किए हुए हैं। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। अब हम इसमें हमारे जो प्रोटीन है जो हमने मिक्सर की सहायता से चॉप किया हुआ है उसे ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेसन सेका था वो इसमें डाल देंगे। हम बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम जो मिर्ची के अंदर जो इसकी स्टफिंग करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। हमने यहाँ सिका हुआ बेसन इस्तेमाल किया है, इस बात का ध्यान रखें। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने जो काली मिर्च पाउडर लिया था वो हम इसके ऊपर से डालेंगे ना, और अब हम एक घोल बनाएंगे मिर्ची बड़ों को बनाने के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो बेसन लिया था हम उसका एक घोल बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रहे हमें घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जो घोल है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि मिर्चियों को अच्छे से कोट कर सके। हमारा घोल तैयार है, अब हम मिर्चियों के अंदर स्टफिंग करेंगे। तो हमने मिर्ची, दो मिर्ची ली है, हमने उसे बीच में से काट लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। हमें स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरनी है इसमें। आप जितनी ज़्यादा इसमें स्टफिंग करेंगे उतना ही मिर्ची वड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको इसको पूरा भरना है। अब हम दूसरी मिर्ची को भी इसी तरह अंदर से अंदर इसके स्टफिंग भर देंगे। यह हमारे मिर्ची के अंदर हमने स्टफिंग कर दी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, और अब इसमें हम हल्का ऑयल डालेंगे मिर्ची बड़ों को फ्राई करने के लिए। जो हमारा तेल गर्म हो जाएगा उस वक्त हम इन्हें बेसन में मिक्स करके और फ्राई करेंगे। तो हम तेल गर्म होने देंगे पहले। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम हमारे मिर्ची बड़ों को बेसन के अंदर मिक्स करके
फोर्क की सहायता से इन्हें पलट देंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और एक बार हम इन्हें पहले निकालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर से इसमें इसी तेल में आपको दोबारा डालेंगे। अब इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे मिर्ची बड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हम इसे टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। आशा करता हूँ आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे अपने घर पे बनाएं तो हमारे साथ फोटो ज़रूर शेयर करें। मेरा हार्ट शाकाहार जय आर सिंह साथी।